HELLO, welcome to another gameplay video of PAL World. तो गाइस यार आज हम लोग पैल वर्ल्ड के कुछ कॉपी गेम ट्राई करने वाले हैं जो कि बहुत ज्यादा वियर्ड होने वाले हैं और ये यार मोबाइल और पीसी दोनों पे अवेलेबल है और भाई हम लोग देखते हैं कि भाई ये पीसी वर्जन से कितना ज्यादा अलग होने वाले हैं। खैर मजा बहुत ज्यादा आने वाला है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना ऐसी और वीडियोस के लिए। ऑलराइट गाइस तो फाइनली मैंने अपना पहला गेम स्टार्ट कर दिया और उसका नाम है पैल वर्ल्ड, बिल्कुल सेम टू सेम नाम है। और भाई हम लोग गेम के अंदर आ चुके हैं और स्टार्टिंग में हमें दो चीजें मिली हैं, एक हमें तीर मिला है और हमें पैल स्पेयर मिली है। भाई 10 पैल स्पेयर मिली है अपने को और सामने बोर्ड लगा हुआ है और यहाँ पर भाई इधर उधर देखता हूँ कुछ है क्या नहीं। भाई यहाँ पर ये पोकेमॉन्स है ना, हाँ गाइस ये है पोकेमॉन्स, ये लेवल 1 का रैबिट है, मैं इसे कैप्चर करने की ट्राई करता हूँ। लेट्स गो, लेट्स सी, 36, 65%, ओ भाई साहब 69%। लो भाई साहब बिना कुछ डैमेज वगैरह कुछ भी करे भाई अपन लोग ने अपना पहला पोकेमॉन पकड़ लिया है। वैसे पोकेमॉन को बाहर कैसे निकालूँ, ये हाथ में मेरे पैल स्पेयर ही पड़ी हुई है। और भाई ये पोकेमॉन वैसे एक चीज़ है भाई, अटैक वगैरह क्यों नहीं कर रहा है, अरे भाई पीछे क्यों आ रहा है मेरे, क्या हो गया। एक सेकंड यार मैं पोकेमॉन कहाँ से निकाल सकते हैं, अबे भाई रुको यार एक सेकंड भाई, ये अटैक वटैक तो नहीं कर देंगे ना। अपनी हेल्थ आ रही है ऊपर 100 लिखी हुई और ये भाई पोकी बॉल इसके हाथ में जो कि चिपकी हुई कैसे। ओके 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 समझ गया। लेट्स गो, यहाँ से अपन लोग हटा सकते हैं और ये रहा अपना बनी, लेवल 1 का इक्विप कर लिया है मैंने। एक सेकंड भाई हटा इन्वेंट्री, लेट्स गो। और ये देखो भाई साहब अपने पीछे अपना बनी, लेकिन भाई ये इतना छोटा क्यों हो गया है। एक सेकंड भाई, ये जब मैंने पकड़ा था तब तो काफ़ी बड़ा था। और यहाँ पर देखो भाई, यहाँ पर अपनी जितनी भी सारी पैल स्पेयर थी, मतलब लेजेंडरी, अल्ट्रा, मेगा स्पेयर और एक और थी ना हाइपर स्पेयर, तो ये सारी स्पेयर्स थी यहाँ पर। और भाई ये देखो भाई बड़ा सा क्या पिग खड़ा हुआ है भाई, यहाँ पर इसे पकड़ सकते हैं क्या अपन लोग। एक सेकंड भाई मैं अपनी पोकी बॉल से पहले तीर निकाल के इसे लो करता हूँ, चल तेरी भैंस के लिए। एक सेकेंड, लेकिन वेट ये तो भाई हिल ही नहीं रहा, आई थिंक यार एक स्टैचू है ये, आई डोंट थिंक ये भाई पोकेमॉन है कोई ये। ओ भाई साहब वैसे गेम तो भाई सही है, मस्त है, मतलब एनिमेशंस वगैरह भी काफ़ी सही है, मतलब इन्होंने काफ़ी अच्छा कॉपी करा है पैल वर्ल्ड को। और एक सेकंड भाई सामने की तरफ ये घर भाई किसी बंदे ने बना रखा है भाई, मतलब कोई बंदा इसे बहुत ज़्यादा डेडिकेशन से खेल रहा है। और ये देखो भाई काफ़ी सुंदर घर बना रखा है इस बंदे ने। चलो कोई नहीं, अपन लोग यहीं बेड ला के सो जाएंगे रात में। और यहाँ पर और अलग अलग टाइप के पोकेमॉन्स है, वैसे मैप इतना ज़्यादा बड़ा नहीं है। और यहाँ पर एक बियर है, मैं इसे कैप्चर करने की ट्राई करता हूँ। और ये वाली एनिमेशन तो उन्होंने पैल वर्ल्ड से पूरी कॉपी कर ली है भाई, 77%, 100%। लेट्स गो, अपन लोग ने दो पोकेमोन कैप्चर कर लिए हैं, अब मैं जल्दी से उसे भी इक्विप कर सकता। ए भाई सर में का घुस रहा है, अबे भाई मेरे सर पे चढ़ गया पोकेमोन वो, ओ भाई क्या सीन है ये। एक सेकंड भाई हट गया ना वो, एक बियर इक्विप करता हूँ पहले, एक बार हटाता हूँ फिर देखता हूँ। वो भाई साहब उतर गया। एक सेकंड यार ये क्या सीन हो रहा है भाई, मतलब मैं जैसे ही पोकेमोन कैप्चर कर रहा हूँ भाई, भाई मेरे को क्यों मार रहा है भालू ये, मैं तो उससे कुछ कह थोड़े रहा हूँ भाई। भाई अबे ज़बरदस्ती मारे जा रहा है और भाई पता नहीं अपने पोकेमॉन छोटे क्यों हो जा रहे हैं। खैर चलो कोई नहीं, गेम तो मस्त है, अब अपन लोग अपने नेक्स्ट गेम की तरफ चलते हैं, लेट्स गो। ऑलराइट गाइस तो फाइनली हम लोग अपने नेक्स्ट गेम की तरफ आ चुके हैं जिसका नाम है पैल वर्ल्ड न्यू। वैसे नाम तो सेम ही है, बस इन्होंने न्यू आगे ऐड कर दिया और कुछ नहीं। और गेम लोड हो चुका है और यहाँ पे क्लिक टू टेलीपोर्ट कुछ लिखा रहा, समझ नहीं आ रहा पता नहीं क्या है। ओके ये आई थिंक स्पॉनिंग एरिया है जहाँ पे सारे प्लेयर स्पॉन्स वगैरह होते हैं। और एक सेकेंड वेट, ये सामने भाई कार क्या कर रही है पैल वर्ल्ड के अंदर भाई, ओए वो कहाँ चली गई भाई कार। एक सेकंड भाई, और ये ऐसी वैसी कार नहीं है भाई, ये रेंगलर है आई थिंक। और भाई ये क्या हो रहा है सीन भाई, एक सेकंड मैं इसके अंदर बैठ सकता हूँ क्या। ओके मैं बैठ चुका हूँ, लेकिन वेट ये कंट्रोल मेरे पास क्यों नहीं। अबे यार मैं साइड वाली सीट पे बैठ गया। एक सेकंड भाई इससे एग्जिट कैसे करूँ, अरे भाई एग्जिट कैसे करना है इससे, अरे भाई एग्जिट का ऑप्शन ही नहीं आ रहा भाई, एफ से होना चाहिए ना, एफ एफ एफ। अबे भाई नहीं हो रहा कुछ भी, अबे भाई एग्जिट हो जाए यार भाई, ये क्या सीन है भाई, क्या गेम है ये, मतलब भाई कार के अंदर बैठ गए मैं एग्जिट नहीं कर सकता। अबे यार कुछ तो होगा भाई, कैसे करूँ एग्जिट समझ नहीं आ रहा। एक सेकंड यार कौन सा बटन था, सारे बटन दबा के देखता हूँ। एक सेकंड भाई ये ले, डब्ल्यू ए एस डी ई एफ जी एच आई जे के भाई साहब, अबे भाई कर दे एग्जिट, क्या सीन है। अबे ओ वाह भाई वाह, क्या दिमाग लगाया गेम वालों ने भाई, स्पेस बार से हम लोग कार के ऊपर कूद के निकल सकते हैं और कूद के बैठ सकते हैं। एक सेकंड चलाते, ओ भाई साहब इसकी स्पीड क्या है गाड़ी की, ओ भाई साहब ये रेंगलर है ना। एक सेकंड भाई अपन लोग से भगा के देखते हैं भाई साहब, ओह भाई साहब इसकी स्पीड देखो, ओहे आराम से रुक जा भाई, रुक जा भाई, ये कोई सेंस है इस बात का भाई, कैक्टस पे भिड़ गया मैं ही जाके, मैं कैक्टस ने मेरे को रुक दिया, कैक्टस टूटा नहीं। ओ भाई साहब ये तो पूरा रेसिंग ट्रैक है, लेकिन भाई अपना पैल वर्ल्ड में कार का क्या काम है, अपने यहाँ पर पोकेमॉन्स वगैरह होने चाहिए था, पकड़ने करने का सीन होना चाहिए था। और वेट राइट साइड में एक शिप भी है ना भाई, इसे शिप पे भी चल के देखेंगे पहले। भाई मैं अपने ट्रैक से निकल जा, रे 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 रे, पलट गई, हो जा सीधी सीधी, हो जा सीधी, हो जा भाई प्लीज़। ओके चलो सीधी तो हो गई, लेट्स गो। यहीं पे राइट साइड पे मैंने एक शिप देखा था, जल्दी चल के उसे देखते हैं भाई कि वो किस चीज़ का शिप है। आई थिंक वहाँ पर हमें पोकेमॉन्स मिल जाएंगे शायद। अरे अरे एक सेकंड भाई आराम से चल। भाई कुछ खतरनाक ऑफ रोडिंग कर रही है। और ये रहा भाई वो शिप,
ओ भाई साहब अभी क्या तगड़ा सीन हुआ भाई, कसम से मैंने स्पेस बार दबाया और भाई बंदा ऐसे ही कूद गया भाई कार से और कार वहीं पर रुक गई। तो यहाँ पर जाने का रास्ता किधर से है भाई? एक सेकंड, इससे जंप वंप कर जा सकता हूँ क्या मैं? नहीं यार, एक सेकंड, मेरे को बोर्ड पे जाने का रास्ता ढूंढना पड़ेगा कहीं ना कहीं, इसे ऐसे चढ़ना पड़ेगा शायद, लेकिन नहीं यार ऐसे चढ़ तो नहीं पा रहा ये। अरे भाई चढ़ जा यार, एक सेकंड भाई, चढ़ 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 भाई यार। अरे भाई पकड़ लिया था यार, पकड़ लिया, जस्ट 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 रह गया। चल 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 चल, अरे चल भाई, ओके ओके ओके, चढ़ गया चढ़ गया चढ़ गया, लेट्स गो। अपन लोग बोट के ऊपर आ चुके हैं और इस बोट में से कुछ खास तो है नहीं, एक बहुत बड़े भाई ये डमी सा खड़ा हुआ है। ओ वेट, ये क्या हुआ भाई? अरे रे रे रे, मैं आज के टांग मैं इस बटन के ऊपर खड़ा हुआ, मैं डमी बन गया। अबे ये क्या सीन है, ये कैसा पैल वर्ल्ड है भाई, ये क्या हो रहा है इस गेम के अंदर? एक ओ भाई साहब क्या ही तगड़े जंप ले रहा है ये बंदा, लेट्स गो। अबे भागने में तो बड़ा ही लैंडी है ये, बस जंप ही जंप पूछे ले पा रहा है। लेकिन वेट भाई, इधर की तरफ लेफ्ट में इतनी बड़ी सिटी है भाई, पैल वर्ल्ड के अंदर तो कोई भी सिटी नहीं है भाई, इतने बड़े बड़े घर। एक सेकंड, सामने काफ़ी बड़ा सा मेरे को शोरूम टाइप का दिख रहा है, किस चीज़ का शोरूम है भाई? पैल वर्ल्ड के अंदर शोरूम क्या कर रहा है? एक सेकंड, ये किस चीज़ का है मेरे को समझ नहीं आ रहा। ओ वेट, क्या ये वही है? ओ भाई भाई क्या हो रहा है भाई, ये कहाँ आ गया हूँ मैं, किस गेम में आ गया भाई? इसके अंदर मैकडी है, पैल वर्ल्ड में मैकडी कब से आ गया भाई? ये क्या सीन है भाई, पैल वर्ल्ड के अंदर मैकडी आ गया? अबे भाई यार क्या सीन हो रहा है भाई, लेट्स गो। अपन लोग जल्दी से इसके अंदर चल के देखते हैं, पर पहले छोटा कैसे होऊंगा भाई मैं? एक सेकंड भाई, कुछ ना कुछ बटन दबाना पड़ेगा तभी जाके शायद आई थिंक छोटा हो पाऊंगा। एक बार टेलीपोर्ट कह रहा हूँ भाई, अपने आपको ट्रांसफर करके चेंज करके देखता हूँ जल्दी से। गाइस यार पता नहीं क्या ग्लिच हो गया था भाई, मेरा गेम क्रैश हो गया था, तो मैं दोबारा गेम के अंदर आऊँ और इस बार मैं छोटा ही हूँ। और यहाँ पर देखो भाई साहब, पैल वर्ल्ड के अंदर गोकू क्या कर रहा है भाई? मैंने पैल वर्ल्ड लगाया भाई, कुछ और ही गेम लग चुका है मेरे हिसाब से ये। और भाई यहाँ पे एक केला खड़ा है भाई सर्विस देने के लिए, क्या सीन है भाई ये? और इधर पीछे भी एक सेकंड बंदे बंदे खड़े हुए हैं। एक सेकंड, ओके वेट, यहाँ पर ओए भाई मैं इस बटन पे गया और मैं कुछ और ही बन गया। एक सेकंड भाई, मेरे गोकू बनना है, मैं गोकू बन सकता हूँ? एक सेकंड भाई जाकर देखता हूँ। अबे क्या सीन हो रहा है भाई, ये गोकू बन जा। अरे भाई ये चौकोटा मुंह क्यों हो जा रहा है इसका ये? ओके लेट्स गो, फाइनली अपन लोग भी गोकू बन चुके हैं। लेकिन यार इनका वाला गोकू थोड़ा हाई क्वालिटी का और तगड़ा लग रहा है। और इधर भी कुछ है क्या मैकडी में? वैसे अपना गोकू भी तगड़ा है भाई, कोई बेकार नहीं लग रहा। अबे भाई कहाँ बैठ रहा है भाई, तेरे को बैठने बोला मैंने क्या? अपनी मर्जी से बैठ रहा है भाई, गधा बंदा। वैसे यार मैंने ये मैप पूरा एक्सप्लोर कर लिया है और भाई इसके अंदर पोकेमोन और पैल वर्ल्ड से रिलेटेड कुछ भी नहीं है भाई, इन्होंने हमारा पागल बना दिया, बस नाम रख दिया है। पर गेम भाई मस्त है, अपन लोग का टाइम पास हो सकता है इसके अंदर। तो गाइस यार अपन लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट यानी थर्ड गेम की तरफ, लेट्स गो। तो गाइस यार फाइनली अपन लोग अपने थर्ड गेम की तरफ आ चुके हैं, जिसका नाम है पैल वर्ल्ड सिम्युलेटर। और भाई ये मेरे को काफ़ी हद तक अपने पैल वर्ल्ड पीसी की तरह लग रहा है, क्योंकि भाई साइड में इन्वेंट्री आ रहा है, पैल डेक्स आ रहा है, स्टोर आ रहा है और यहाँ पे छोटे छोटे बहुत सारे चिकपी, पता नहीं का नाम क्या था, नाम बोल और लैम्बॉल, हाँ लैम्बॉल हैं और चिकपी भी हैं सामने, मतलब नेम भी इन्होंने सेम ही रख रखा है। और यहाँ पर एक सेकेंड भाई, इन लविंग मेमोरी ऑफ, भाई कितना खतरनाक है वो भाई साहब, इतनी बड़ी है भाई शीप थी। और ये देखो भाई कितने छोटे छोटे क्यूट क्यूट से हैं भाई, ये रो रहे हैं भाई इसके लिए। तो भाई गेम तो वाइब अच्छी दे रहा है ये। लेकिन एक सेकंड भाई, अपने पे पोकी बॉल, ये पोकी बॉल अपने पे 13-14 जो है, क्या है ये भाई? ये अपना हाथ में कैसे पकड़ रखी है? ओके कुल्हाड़े मिल चुके अपने को, तो अपन लोग पेड़ वेड़ काट के देखते हैं भाई कि अपना गेम उसकी तरह ही है फिर नहीं। लेट्स गो भाई, क्लिक कर, चल भाई, अरे तोड़, ओके लेट्स गो भाई, वो चीज़ उसे। ओ भाई साहब मैंने पूरा पेड़ ही तोड़ दिया 3-4 भाई टैप में, मेरे को लगा नहीं था इतनी जल्दी टूट जाएगा भाई। और यहाँ पर अपने पे चिक्की पी है एक और बहुत सारे पोकेमोन है, लेकिन यहाँ पे अभी स्टार्टिंग वाले पोकेमोन में जो अपने को स्टार्टिंग मिलते हैं, शीप मिलती है, एक चिकी पी मिलती है और एक लैम बॉल मिलती है। और तो अपने पास कुछ यहाँ पे करने के लिए है नहीं, और सामने की तरफ जाने के लिए हमें लेवल 3 करना पड़ेगा और अभी अपना फ़िलहाल लेवल 1 है। लेकिन यार ये गेम भाई इतना मज़ेदार तो लग नहीं रहा, क्योंकि भाई इसके अंदर ना पोकेमोन से ना कुछ है भाई, और पोकी बॉल भी नहीं आई थिंक अपने पे इस गेम में, यार बिल्कुल मज़ा नहीं आया। तो भाई सबसे टट्टी कॉपी होगी भाई पैल वर्ल्ड की, और मज़ा भी नहीं आया। वैसे फर्स्ट वाली और सेकंड वाली तब भी बेटर थी। तो गाइस यार वीडियो करते हैं यहीं पर एंड, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।